आप इतनी बड़े बड़े आलीशान घर दिखाते हो और उसमें टीवी वो 40 इंच का का लेके जा रहे हैं हैं और उसको भी उठाने के लिए दो बंदे हैं। नूर खान इतनी प्यारी हैं कि को कि कोई डायरेक्टर उनको करते हुए डरेगा इसके लेवल का क्या होगा गुंडी रन की जो वहाज वाला ड्रामा था वो वहाज अबाउट अब तो वो <laughs> तो <laughs> okay, okay. ये ये हाँ। हराम का खाना नहीं खाऊंगी सारी जिंदगी तो वही खाता है बच्चे की जिद कितनी हाँ। गंदी है मुझे नहीं समझ आई कि तो मैं तुम्हें तलाक तब हाँ। तक नहीं दूंगा जब तक तुम अपने सारे गुनाह नहीं कबूलोगे अब की बहुत कमी है जियो के पास आज

तो हम हमें ज्यादा करना चाहिए, करना चाहिए, करना है ना? चाहिए हाँ, तो हम ऐसे से कोशिश करेंगे कि जो हमारा Actually, meaningful हमारा ना है, से हमारे तो बहुत 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 सारी। तो निकला, निकला नहीं जल्दी था हाँ, हाँ। अगर आपको याद हो जूक बॉक्स में हम लेट हो रहे हैं निकालने हालांकि वो हमारा एक समझे चीज है हम बचपन से ये करते आ रहे हैं हाँ मतलब जब मेरी और फलान की जिंदगी की पहली मुलाकात हुई थी तब भी हम ये बात कर रहे थे ये फलाना जो है वो फलाना हो मेरा अरशद और फलाना हो मेरा चन्ना आ, का गाना और इस तरह की बातें तो ये है हमारा शुक्र है अल्लाह का कि हम इसमें काफी मलका हासिल करते हैं <laughs> अच्छा जी और मून हाउ वाज योर वीक वीक वाज वेरी गुड अलहमद नहीं वेरी गुड तो नहीं यू वर बिजी मैं बहुत बिजी था ठीक है और दूसरा मैं क्या बताऊँ पाकिस्तान का आपको पता है किस तरह के चीज़ें चल चीज प्लीज 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 मुझे पता है आप क्या अच्छा कहने लगे हाँ मेरी ना एक दिन अचानक मुझे घर से कॉल आती है मेरी बहन की रोते हुए कि ना अम्मी की तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टर्स ने कहा है कि जी किडनीज जो है उन्होंने फंक्शन करना बंद कर दिया और डायसिस होगा जारी बात है डायलिसिस का सबको पता है कि कितना एक तो पेनफुल प्रोसेस है एक तो बहुत ज्यादा ऐसा है कि एक दफ़ा आपने इस चीज में पड़ गए तो सारी जिंदगी आप किसी में रहे और रहे जिनकी एज ज्यादा होती है हाँ। उनका उनकी ज्यादा प्रॉब्लम होती है हाँ, हाँ। अच्छा कुछ बहुत सारे लोग ना एक थोड़ा सा छोटी सी जीजी बात में इधर मिसकनसेप्शन कुछ लोगों को अगर डायलिसिस कहे जाए और वो लोग इसी डर में नहीं कराते और लेट कर देते हैं वो फिर डेंजरस होता है बहुत ज़्यादा। अगर डॉक्टर ने कह दिया है और ठीक डॉक्टर ने सही कब बोल दिया है कराने तो आप प्लीज कराएं हाँ, अगर यंग एज है तो फौरन ही कराएं समटाइम्स कोई करिश्मा हो, हो जाता हाँ, है किडनी पता नहीं क्यों ऐसी है, है, है।, है, है।, है जीवो हाँ, किडनी बड़ी और गदर है तो खैर तो हुआ कुछ इस तरह से कि उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि जी फौरन फौरन ये डायलिसिस होगा तो उठा के लाहौर ले जाएं इनको हम इनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं और ब्ला 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 जो भी ठीक है अब यहाँ पे आ गए अब यहाँ पे भी सारी बात है बजट पर गई एक तो पी के लाइक आपको पता है हमारे पास ही है हमने कहा कि चलो वहाँ पे ले जाएंगे लेकिन वो शुक्र है एक थोड़ा सी वाकफियत थी तो हम लोग गंगाराम हॉस्पिटल लेके खैर ब्लड टेस्ट सारे हो गए हैं सी बी सी एल एफ टी ये वो सारे टेस्ट वगैरह हो गए हैं क्योंकि फ्राइडे था आ गए सैटरडे संडे आपको पता है छुट्टी होती है तो उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो इतना सीरियस इशू नहीं है जितना वहां से आपको बता के भेजा जाए दुआ करें इनशाला इनशा करे डायलिसिस की जरूरत ना पड़े लेकिन प्रॉपर जो टेस्ट है वो अभी अरसलान आज मतलब जिस दिन शो आएगा मंडे वाले दिन हो अल्ट्रासाउंड और वो जो बाकी स्कैन वगैरह बस आप दुआ करें कि अल्लाह तला ना ही नौबत लाए इस तरह की चीज़ की और अल्लाह तला मेरी माँ को सेहत और तंदरुस्ती वाली लंबी लंबी जिंदगी दे क्योंकि उनके बगैर हम कुछ नहीं है ना चले

ठीक था ठीक था मेरे बीमारी में गुजरा आपको मैं, अच्छा ये बताना था ये भी बताना था ना मेरे तो बीमारी में खास के नहीं, प्लीज। अच्छा भी इतना सबको है। है। हाँ, <coughs> तो पता, हाँ। पता, सब पता है कि आपकी जो बुखार या तबीयत खराब है वो पंद्रह बीस दिन तो चलती चलती है और मेरा भी तीन दिन अरसलान पीछे शुक्र अल्लाह काज में ठीक हूँ टेम्परेचर रहा है लेकिन मैंने इस दैनाडोल की जान नहीं छोड़ी मैंने कहा दो

सेवन डेज इन सेवन डेज इन कोनी आईलैंड आईलैंड ठीक है पसे दीवार एंड बेहद ठीक है जी जी ठीक है आ, तो हम किस से स्टार्ट करें आप ये बताएं यार बेहद से शुरू करो चले जी बेहद से स्टार्ट करते हैं जी आ, ये जी है जियो का ड्रामा और ये आता है वेंसडे एंड थर्सडे आठ बजे जी, जी स्टार्ट करते हैं बेहद से जी बेहद अच्छा जी ये ड्रामा इज रिटन बाय राना निगार एंड इट इज़ बाय रामिश रिजवी इससे पहले जो इनका ड्रामा हम रिव्यू कर चुके हैं वो है अहराम जिन शान वो ठीक है जी इसकी <laughs> कास्ट में शामिल है अफ़ान वहीद जी मदीहा इमाम सबूर अली सिरहसर हमायूँ अशरफ हूरिया मंसूर जैनब प्यूम

और कौन है, मेरी जो उसकी अम्मी है मलिक? मलिक. <laughs> उनकी बेचारी अच्छा, एक बात होते हम हाँ। हम तो हमारे यहाँ ये नामों का कोई नहीं होता हिसाब किताब होता है बेहद नाम से एक हमारे हम साया देश में भी एक ड्रामा था जेनिफर विंगट वाला जेनिफर वाला तो मेरे ख्याल में उसी से ही इंस्पिरेशन लिया बाजी ने ठीक है

थी। उमेरे थी। उमेरे तो में 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 फिर वो लोगों को ना रिकॉल हाँ। करने हाँ। में बड़ा मुश्किल होता है बेहद कौन से वाला सजल वाला सपुरफर वाला थोड़ा होता है ठीक है बेहद एक मूवी भी आई थी बेहद मूवी भी आई फिल्म ये कोई बी क्लास टाइप होगी जिसमें बहुत ही कोई एरोटिका का इस्तेमाल होगा ये नाम से ऐसी लग रही अच्छा, है अच्छा इस ड्रामे पे आए कहानी है जुगनू की जिसका एक कजन ब्रदर है हमजा भाई हमजा भाई हाँ और हम वो हमजा भाई हमजा भाई कह के ही ना क्या कहूँ मैं मुझे बहुत गंदे अल्फाज मेरी जुबान पे आ रहे हैं मुझे पता है आप जो जिस चार चीज़ों का चार पायो वाली चीजों का नाम लेना चाहते हैं <laughs> सब पता है अच्छा खैर नहीं आई आई एम जस्ट डोंट लाइक द कांसेप्ट ये एक है एक लड़की है एक बात बताऊं से हां सॉरी सॉरी आपकी बात काट रहा हूं कोई मसला नहीं है काटे ये रियलिटी <laughs> 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 में बहुत है आई हैव नो वेरी वेल सो मेनी केसेस आई नो वेरी वेल सो मेनी केसेस भाई भाई करके ना हां चार पांच तक बात पहुंच ही जाती है देखिए मैं नहीं कह रहा ये कह रहा है फिर आप मुझे कहते हैं ठीक है नहीं है, हाँ। नहीं तो ऑब्वियसली उनकी शादी होगी तो वो कौन सा जो है वो कुर्सी पे सोएंगे ऑब्वियसली ठीक है तो ये एक है सीन मूड क्या कह <laughs> के यार वो खुद इतनी लस्सी नजरों से उसको भाई भाई कहती है अच्छा, कह, आगे शुरू होता है ड्रामा हमजा हाँ। भाई की बाइक धोनी है गंदी बाइक पे जाते हैं हमजा भाई

क्या सीन ऐसे है हाँ। हर ड्रामे में ना इसको बेस बस बाप ही दिखाया जाता है कि माँ की चलती है बाप की कोई नहीं चलती हालांकि इनकी जो डायलॉग डिलीवरी है वो उसमें थोड़ी एक अखड़ पन हाँ, है रोब दब रोब दबदबा दब 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 है, है। बट हाँ। वो बेचारे हमेशा बेरोबी इनकी दो बेटियां सोनिया हाँ। और दूसरी का नाम है मारिया हाँ, सोनिया इज जीरा नहीं, नहीं, नहीं सोनिया इज मदिया मदिया इमाम क्या है नाम नहीं आता सोनिया इज मुदिया इम एंड हाँ। मारिया इज सिरास सिर ठीक है हाँ। 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 जी अच्छा जी ये सोनिया को हो गया है प्यार हमजा से हमजा भाई से हमज़ा बहुत गरीब है हाँ। हम तो गरीद गरीद है। है। हाँ। हम सब सब गरीब गरीब बहुत हाँ। तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी ियस बीवी को हाँ। लेकिन उसने फिर भी वो गोलगप्पे खाकर उसकी हाँ। है वो, हाँ, हाँ, हाँ। 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 वो माओ ये चीज लाइक नहीं करती कहती क्या मतलब सिनेमा में जाओगी घर में सिनेमा तुम्हें खोल के दिया था घर बैठ के देखो नहीं वो वो 40 इंच वाली पे बात करो पहले वो तुम होम इंच का तो लगवाती। हाँ। तो कोई डब्बा ही दिखा रहा था ना आप देखिए डब्बा तो डब्बा लेते बड़े टीवी का तो उसमें क्या तकलीफ बस ऐसे उन्होंने कहा हम इसको बोदर नहीं करते आप इतनी बड़ी बड़ी आलिशान घर दिखाते हो और उसमें टीवी वो चालीस इंच का लेके जा रहे हैं और उसको भी उठाने के लिए दो बंदे हैं जी हाँ बहुत ध्यान से नाजुक चीज है बचा हाँ, हाँ। और आपने वो देखा इंट्रो जो हमारी हीरोइन का मारिया और उसका आलिया और जुगलू? नहीं नहीं इसका जो इंट्रो था सोनिया सोनिया के इंट्रो शुभाना देखा आपने जी वो बैठी हुई थी

उसे प्यार करता। वो एक सीन में तो आप थोड़ा कैमरा चीट करो उसको दिखाओ कि कोई बड़ी सी चीज आ रही है आ तो उसमें वो एक... छोड़ दे। फिर उसके बाद वो जो है उससे ज्यादा छोटी लग रही है अफान वहीद से हालांकि अफान ऑलरेडी छोटे लग वो उससे छोटी लग रही है आपस में ना कोई केमिस्ट्रिया ही नहीं है ठीक right. yeah. है नंबर वन अब जब ये दोनों आसोतने बनेंगी कितनी अजीब लगेंगी वो बड़ा अजीब yeah. लगेगा फिर आ, पता नहीं वो एक बेबी फैट है क्या कहेंगे पता नहीं वो सबूर की स्क्रीन प्रेजेंस में एक फोड़पन है वट यू थिंक एक कुछ एक ना फिनिशिंग की कमी है आपको नहीं फील होता कि इट्स वेरी मुझे, भेरी... मुझे लगता है कि जल्दबाजी में ये ड्रामा शूट हुआ है

चालें चा चालें चलना तुझे आता है और कभी तू तो मासूम बन मुझे ना ये नावल राइटर्स की नहीं समझ आती इन इस लिखा क्या है पहले बड़े सारे ड्रामे हैं ड्रामे अच्छा। उन, इनके सोप टाइप ही रहे हैं पहले या कोई ऐसे जियो के ओवर द टॉप लेकिन नावल ये बड़े सालों से मैं तो तकरीबन बीस साल से इनको पढ़ रहा हूँ नखसल हसाना नगार को इन, इनकी हीरोइन ऐसी होती है चवल से मतलब अब रोती कैसे थी तुम रो के बताओ ना जरा अच्छा मैं नहीं

एक मतलब एक थर्ड लीड कर ली बट तब moon, आप नहीं थी बट मून प्रॉब्लम इज मेकर्स आप आ, मैं खुली बात करता हूँ अगेन हाँ। सिराजगर के अंदर वो क्वालिटी नहीं है जो एक एक जो हमारी कन्वेंशनल हीरोइन वाली क्वालिटीज होती है जो कन्वेंशनल ब्यूटी कन्वेंशनल बट आजकल दो अनकन्वेंशनल स्टोरीज का हाँ। है, है, जो कि ज्यादा रियलिज्म वर्किंग में देखा हाँ बट रियलिज्म पे कोई ड्रामे भी बनाए ना हाँ ये है। ये बात आपकी सही है कि इस तरह के ड्रामे में असगर का क्या कसूर है हां ठीक है ठीक है हां पर मतलब उन्होंने रोटी तो ये तो है ही है बट हमारे जो मेन है ना वो इस ड्रामे में सबसे ज्यादा वीक है उसामा ताहिर भी आए वो अच्छा लगा वो अच्छा लगा आपको हां ठीक है पता नहीं मैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पाता अब सिंस खाई हां बट मुझे खई की निस्बत ये ज्यादा अच्छा लगा अच्छा हाँ, हाँ। खई से बेहतर था खई से बेहतर इसमें कुछ एक वो अलग बात है अगेन अगेन आई अगे, अगे अल से राइट right है हाँ। आपने थप्पड़ खाया आप इतने पावरफुल आए हाँ। थप्पड़ खाने के बाद आप डुश हो गए हो गए तो फिर आप क्यों लाइकेबल हाँ। बनेंगे हाँ। 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 बिल्कुल ऐसे आपका, आपका वो इम्पैक्ट ही मर गया ना

उसकी रोई लंबी है हाँ। आपको वो मूवी याद है मैं मधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ हाँ। हाँ। राजपाल यादव ने कितना मजेदार उस हिरोइन के साथ केमिस्ट्री क्रिएट की थी अब हाँ। तो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स कहीं नहीं होते केमिस्ट्री क्रिएट करने के हवाले से तो ये चीजें अब काम अब नहीं है नहीं है तो सॉरी तो ड्रामा सॉरी मुझे दूसरी दफा देखने का दिल भी नहीं कर रहा आप अगर कहेंगे तो अगर आवाम कहेगी तो अदरवाइज अदरवाइज ड्रामा में कोई पोटेंशियल मुझे नहीं नजर आता Is the link. इन दिस मैं बार बार कह रहा हूँ चौथी दफा कहने लगा मुझे मदिया इम जलेबीडके उसमे बट कभी तुम्हें देखो मैं बाबता तो, हूँ हम पहले जमानस के नाम लेते थे थे ना तो उसके बड़े बड़े ड्रामे हमारे दिमाग में घुमने लगते थे फॉर एग्जाम्पल आई से सभा

मुझे अभी तक उनकी कोई एक इंडिविजुअलिटी नहीं उनकी हर का हर ड्रामे में उनकी वॉइस की जो एक पिच होती है वो सेम होती है हां उनका बात करने का तरीका सेम होता है तो वो मुझे नहीं इम्प्रेस किया सॉरी ठीक है अच्छा जिक्यू के हर ड्रामे में आज का खुशी हुई है महंगाई बहुत है <laughs> चले बात करते होंगे चले पसे दीवार पे आए पसे दीवार

ये सामने दीवार के पीछे दीवार पर्दा तो यही होता है ना हाँ, पर्दे पीछे, के पीछे हाँ, तो पर दीवार के पीछे हाँ, 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 क्या चल रहा है ठीक है है क्या चल रहा है? ये शेगुफ्ता भट्टी को बताओगा खैर इसकी राइटर है शेगुफ्ता भट्टी हाँ, और इसके डायरेक्टर हैं सभी अहमद हाँ, शगुफ्ता भट्टी कैसे पहले हम जो ड्रामा देख चुके हैं वो है हुक ठीक है एक बात बताओ है वो कितने लोगों की मिली जुली कार्रवाई है शाहिद डोगरेश गुप्ता बट्टी इसका सेहरा दोनों के सर पे जाता है मतलब कि उनको हर कोई खींच के कहता है वो हाँ जी अच्छा जी इसकी कास्ट में शामिल है नूर जफर खान अरसलान नसीर अली रहमान खान लेट खालिद भट नैर रिजाज नादिया अफगन आएंगी अभी अच्छा। नेक्स्ट कमिंग एपिसोड में आएंगी कास्ट है उनका नाम अच्छा जी कहानी है उजाला की जो कि एक अलहड़ मुटेर लड़की है लेकिन अलहड़ नहीं है वो शादीशुदा है शुदा हाँ. और शी इज मैरिड टू द असलान नसीर के हाँ. से। उसका नाम था 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 बड़ा मजेदार अशरफ टाइप थी था। हाँ, ऐसे कोई आ भी भी हाँ. हाँ. जो भी है अच्छा तो तो ये गांव में रहते हैं हमारी हाँ. जो लड़की है वो एक बड़ी लाओबाली सी है हर टाइम खेडिया मलियों में लगी रहती है सहेलियों के साथ निकलती निकलती है खेतों में जाके अटकेलियाँ करती है और बी ए का इसने इन्होंने ने इम्तहान दिया है जिसमें वो के का पास हो गई हैं हाँ। तो इनके शोहर का बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनको बी ए करवाने में माँ बाप तो ना करवा सके उसने कहा शादी के हाँ। बाद मैं ही करवा देता हूँ कितने मजा आ रहे <laughs> यार मुझे दुख हो रहा है कि ग्रीन किस तरफ चल पड़ा है अच्छा। हाँ। like मैं मुझे ड्रामा अच्छा लगा है लिखाई हवाले से पता नहीं क्यों करेक्टर करेक्टर्स like बहुत अच्छे है।, ठीक है मुझे उजाला का पसंद है उजाला की सास का character बहुत हाँ, है उजाला के उजाला के भाई का character है सिगरेट पी... पीता है सिगरेट भी पीता होगा बट वो एम्फाइज करता हाँ, है वो भी end पे ठीक है तो उस हवाले से मुझे वो भी

समझ रहे हो थोड़ा वो एक वो अर्दी लगे कि वो वहीं का है हाँ, हाँ, हाँ. कोई इस तरह ये ये तो बर्गर लग रहा है हां हां उस माहौल में वो नहीं गले से, में तावीज डाल के आप दैहती नहीं बन जाते शॉल पहन के आप दैहती नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं बन जाते आपने जो सलवारें तंग सी लोवाई हैं हां में कौन इवन मजाक भी साथ उड़ाते हैं कि ये ट्रैवलर पेन अभी तक हां अभी तक यस तो अब मतलब वो मुझे समझ नहीं आया ऊपर से आप इतने पावरफुल भी दिखा रहे हो ना उन्हें कि वो जी एक है एक वटेरे के साथ हाँ। पंगा ले लिया उसने और उसकी डायलॉग्स बड़े मजेदार हैं डायलॉग्स बहुत अच्छे जो उसके थे बट प्रॉब्लम इज डायलॉग डिलीवरी जो कि उस बर्गर से नहीं हो रही और ऊपर से एक मिनट तो बर्गर ऊपर से इस्लामाबाद ही हां हां सो <laughs> so, मेरा तो ये प्रॉब्लम है ओवर टू यू ओवर टू मी मैं तो camera, ने एक बात कही थी ऑफ द कैमरा लेकिन आपने कहा मैंने वो नहीं करनी लेकिन रद्द में और यहाँ पे देख के मैं कहता हूँ कि भाई मुझे माफ़ी देते हो मुझे माफ़ कर दें सी बी आर्मी प्लीज़ इतना अच्छा लगता है सिर्फ अपने चैनल के ऊपर आता है हाँ। क्रिकेट पे कमेंट्री करता है ठीक है सोशल uh, इश्यूज़ पे बात करता है करंट अफेयर्स पे बात करता है कितना अच्छा वो, वो ना जो सीबीए हम, हम उनके चैनल पे देखते हाँ। हैं चाहे वो इतने ज़्यादा अपने फैंस हाँ। के साथ इंटरेक्ट ना भी करते हाँ। जो हम स्क्रीन के स्लान देखते हैं वो बड़ा ही उसके हट के हाँ। और उस लेयर के हटने के अलावा भी जो कि उनकी डायलॉग डिलीवरी है ये जो उनके एक्टिंग का पैटर्न उसमें बहुत सारा सीबीए है भाई वाह कर देने वाला वो वो थोड़ा है हैवी उन 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 है आ, है कितने डायलॉग्स थे और उन्होंने कैसे डिलीवर किए जबकि अब अगेन उसमें कोई नहीं ये आपको हाँ, पता हाँ, है, हाँ, बिफोर, हम बड़े अरसे से देख रहे हैं हाँ, एक्टिंग हाँ, हाँ, के करियर से पहले ही लेकिन एक्टिंग में जबकि आप देखिए रजा समूह है अब वो उनका भी अपना चैनल भी है वो लेकिन वो अपने करेक्टर्स में कोई ना कोई एक डाइवर्सिटी लाते हैं।, है और उनके उनकी जो चैनल पे जो हमने रजा समोह देखा वो वाला कभी भी नहीं देखा बहुत कम नजर आता टीवी पे नहीं देखा टीवी पे बहुत कम नजर आता, कम आता है आता है नहीं शायद शुरू शुरू में आया था ना उसमें रोमियो जूलियट में ठीक है तो हाँ अच्छा यहाँ पे अच्छा नूर जफर खान माशा यहाँ पे मैं अरसान वो वाली बात कोट करूंगा जो बात माहे नूर हैदर कहती हैं कि मैं इतनी प्यारी हूँ कि मुझे ड्रामा में कोई कास्ट नहीं करता नूर जफर खान इतनी प्यारी है क्या होगा बट आई डोजा नहीं है हाँ बहुत खूबसूरत है लेकिन न, एक न, ना एक स्क्रीन प्रेजेंस होता है ना कि हीरोइन आ गई है वो नहीं है वो ना एक वही कह रहा हूँ ना

फिर टेल में ये होती है हाँ। कितना तो, हाँ, उजाला ख्वाबों में बहुत अच्छी लगे। हाँ। मगर उजाला रियलिटी में नैयर हाँ। 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 एजाज बिंग नैयर एजाज एज यूजल वो, उनको वो लेते होते हैं इस तरह के करेक्ट कुछ सीन्स बड़े अजीबो गरीब लिखे गए कि छत पे जाके जो उसने वो पूरी केटरिंग की हुई थी वो थोड़ा ना मजाकेबल सीन था केटरिंग <laughs> डेढ़ सौ रुपए वाली बिरयानी की प्लेट रखी हुई थी बस नहीं मोन गांव में इतनी तुम गांव वाले हिसाब से देखो तो मुझे वो ओवर लगा सीन तुम्हें नहीं लगा नहीं मुझे में। अंडर लगा मोन आगे भी तो देखो ना ना नसीर का करैक्टर है जानो वो तेरे बिन की तरह वाला थोड़ी करेंगे वो इतने अमीर थोड़ी है ठीक है हाँ वो गरीब वो गरीब तो वो गरीब है ठीक है।, है तो उस हिसाब से देखो तो वो ज्यादा था ठीक हाँ, है अब सीख लाइटिंग चैटिंग उसने काफ़ी। हाँ, हाँ वो कुछ ज्यादा ही मतलब ये हाँ। इतनी अच्छी केटरिंग गाँव में कहा से आ गई ठीक है।

Uh, जो है ना जहाज अपना इनपुट दे रहे हैं और आप आगे से इतना तो ठंडे ठंडे ललकार हाँ. ललकार रहा था ना वो हाँ. उसका तो इतनी ठंडी ठंडी ललकार वो ललकार ही क्या जो ठंडी हो बिल्कुल भी नहीं हो ही नहीं सकता हाँ सो so, ये थोड़ा मुझे उस पर प्रॉब्लम लगी फिर इसके अलावा अच्छा मुझे वो पॉइंट पता नहीं क्यों इंटरेगिंग लगा कि हालांकि वो सीन में थोड़ा शो भी हो जाता ऑलरेडी पास थी मतलब

कि उनका क्या आ, क्यों है वो कैसे वो कैसे आएगा उन्होंने भी तस्वीरें तस्वीरें भेज भेज दो दो इसकी की बहुत 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 लाइट से नहीं, से नहीं अच्छा, अच्छा। हार्ड उसने कहा <laughs> मैंने चले ये गंदी बातें करने लगा, करने लगा, लगा था बहुत गंदे हो तुम अच्छा खालिद उनको देख के लेकिन चलो ग्रीन ही उनको वैसे वापस लेके आए थे ग्रीन हाँ, के सर पे ये सहरा बनता है लेकिन मूविंग ऑन टू आइलैंड्स डेज इन के जिन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स लिखा था मोहम्मद अहमद के साथ जी। और जुर्म लिखा था बड़े ही ये रेडिकल किस्म के राइटर हैं जी। एक और नया ड्रामा आ रहा है ग्रीन के ऊपर उसका मैंने टीजर आज देखा था जी। और महरीन जबार जी। और इसकी कास्ट में शामिल है सिद्रा बतूल अहमद अली रिजवी सबीन सादिक, हुसैन आरिफ आसिफ एंड वेरियस अदर्स जिनका मुझे किसी का नहीं पता मुझे भी नहीं पता एक हाँ। थोड़ा सा हाँ। जो है वो ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में I'm sorry guys. नहीं, नहीं, कोई तो उसमें एक आइलैंड है जहाँ हाँ पे बहुत ज्यादा देसी लोग होते हैं और पाकिस्तानी और वो मतलब जैसे यहाँ पे हमारे आ, पाकिस्तानी हाँ। होते हैं वो वहाँ पे जॉब शॉप करते हैं हाँ। लेबर वर्क जो है। सो so, वहाँ पे मौजूद कुछ पाकिस्तानियों की या कुछ उस क्या कह रहे हैं इन्हें क्या कहेंगे हम क्या? ओवरसीज पाकिस्तानी या जो इंडिया के जो

और उसकी भी मेरे ख्याल में डायरेक्टर मेहरीन जबारी थी शायद है ना वासेन हाँ, वासे हाँ। तो वाइफ तो वही आई लेकिन चूंकि नॉन चेहरे नहीं है अरलान स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन मुझे मैंने, मैंने देखा है कि सिर्फ तीन ही अपिसोड की होंगी दो तो हमने देख ली है तो स्टोरी अच्छी है लेकिन समझ नहीं आई मतलब स्टोरी इस तरह से है कि सबके अपनी कहानी है एक लड़का है जो पाकि, पाकिस्तान से नया नया आया है एक रेस्टोरेंट पे जॉब कर रहा है उसको एक आ, लड़की जो रिसेंटली शिफ्ट हुई है उसे आ, देखते ही पहली नज़र में प्यार हो गया और वो एक साइकट्रिस्ट है उसकी एक क्लाइंट है जिसका एक पास्ट है उसने पहले किस, उसके, उस, उसको लगता है कि उसने किसी उसके मर्डर कर दिया है accident, और ये मतलब सारी कहानियां like तो बड़ा मजे का है मतलब नहीं, आप कह रहे थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए था क्योंकि नॉन चेहरे नहीं, नहीं मुझे इसी अच्छा लगा देखिये आपको ना उन्होंने हर स्टेजेस के हाँ। जो लोग परदेसी लोग हैं उनके हर स्टेज एक नया नया बंदा है जो अभी फिट इन कर रहा है एक जो है पाकिस्तानी जो काफी अरसे से सियाह रह रहे हैं। लेकिन फिर भी उसके अंदर अबू है आ, वो जो है अपनी बेटी को लेकर जिस तरह से उनके अंदर वही सोच के हमारी बेटी थोड़ी पढ़ जाए आ, आ, और उसके ऊपर फोर्स करना आ, आ, जो जबकि पे ऐसे रूल्स नहीं, नहीं है नहीं है, नहीं है ठीक सो तो एक पुराना बंदा भी है एक नया बंदा भी है बीच में कुछ जिनको कुछ जिन्होंने अपनी जो एक्सपोजर वाले साल होते हैं जिन्होंने अपने इस तरह के मुजमे गुजारे जिसमें वो जो हमारी लड़की है आई थिंक गजाला नाम है उसका जो साइकर्टिस्ट है वो और फिर वो जो एक कपल है जिनके साथ ये सारा एक चल रहा चल है। रहा है ठीक है आ, हाँ, आ, आ, उनकी भी आपस में हाँ, एक उनके भी आपस में नहीं बनती हाँ, कपल की हाँ, क्योंकि वो एक लड़की डिप्रेस तो की मैं शादी करूंगी तो हाँ, ठीक हो जाएगा तो मुझे तो कंसेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और उसमें ही आपका वो जो बंदा है वो चीट भी कर रहा है वो इसके साथ भी घूम फिर रहा है गजाला के साथ वही उनकी भी है तो मतलब वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि कोनी आइलैंड जो है

घोड़े घोड़े पे सवार मतलब या जल्दी मची हुई है कि बस इसको खत्म करना है या जो मतलब शोर शराबा ये वो आ, इ, वो इधर नहीं है वो तो नहीं है मतलब आपको वो डिशम डिशम डांडा हाँ। नहीं था एक हाँ। बड़ा सूदिंग सा सीन होता है हाँ। और मुझे कैमरा एंगल्स बड़े पसंद आए हैं कि आप वन थर्ड में यूजुअली शूट करते हो जब भी क्लोजअप लेना हाँ। हो आ, इसके अलावा जो उनके ट्रांजिशन वाले सीन्स होते हैं कि कैमरा पीछे पड़ा हुआ है और वो चल रहा है कोई हाँ। आ रहा है वो वो मुझे बड़ा फ्रेश है, मुझे। फ्रेश है फ्रेश, फ्रेश तो, तो नहीं है फ्रेश है यहाँ पे है यहाँ पे कौन करता है ऐसे नहीं बेहरीन के शुरू से काम अच्छा? ऐसे ही होता है दाम याद नहीं है हाँ हाँ दाम में था हाँ तो वो एक्चुअल ड्रामा है जो कि जो कि जिसपे ज्यादा ज्यादा काम होना चाहिए जिधर हम इंटरनेशनल जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उनके साथ भी कम्पीट कर सकते हैं जबकि जो हमारा जिस लेवल पे अब ड्रामा बन रहा है ना वो कोई इंटरनेशनली प्रेजेंट करने वाला तो नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है ये कहना चाहिए हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं तो ये चीज़ अच्छा है बट मुझे ये दुख है कि अरसलान इसको तीसरे एपिसोड में खत्म कर कैसे करेंगे

मुझे किसी की बुरी नहीं लगी वही ना मैं ना कि काम आपने ठीक ठाक करवाया है मेरी हा, ने। मतलब है कि किसी में कमी नहीं रहने थी आपको दरवाजे वो, वो एक बड़ा अच्छा नहीं लगता कि आप रियल रियल कुछ देख नई नई चीज है कुछ ज्यादा फिल्मी या कुछ बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल ओवर ड्रामेटिक नहीं है ओवर ड्रामेटिक नेचुरल तो है इस ड्रामे को नेचुरल रखा गया और जो कुनी आइलैंड बड़ा प्यारा लगता है छोटा सा क्यूट सा इसे जो जब जिसका दिल चलता करता है उसके ऊपर उस चला जाता है जाके अपना टाइम स्पेंड करता है यहाँ पे भी कोई कुनी आइलैंड होना चाहिए आइलैंड तो कौन सा वो आइलैंड नहीं बीच पे हाँ क्यूज मी हेलो ओह थैंक यू यू आर वेलकम आइलैंड

बेसिकली जिस बेसिस के पर वो बेसिकलीसिस वो उनके घर में थी बेसिकली उनके को कत्ल किया था ना हाँ। इन्होंने और इनका बेटा भी मर गया था जो आ, शमीम हलाली और हाँ। तो वो आपको दिखाना चाहिए था उसमें तभी उसका इम्पैक्ट ज्यादा बनता जबकि उन्होंने वो सारा सीन, आ, स्टोरी टेलिंग के बताया सका और उसके बाद उसका कंक्लूजन वॉज वेरी आ, अंडर कोव्ड इस राइटर से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कोनिया आइलैंड पे भी आपने को ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना कंक्लूजन ना हाँ। कंक्लूजन वॉज वेरी अंडरकोड हाँ ये मतलब आप, आप जबकि चौथा एपिसोड जब शुरू भी होता है ना कुछ थोड़ा सा परेशान भी हो जाती हूँ खत्म नहीं हुआ था। क्या ये वही है? <laughs> हाँ, मैं हो पाता है हाँ. 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 तो, तो, हाँ. देख तो मैं परेशान हो गया बीस पच्चीस दिन के बाद ये तो नहीं देखा था भाई क्या है तो उसके बाद अभी कल देखा है तो हाँ अगेन इट वॉज वेरी बैड एंड

सारी उठा ले अब तो सारी कूड़ा क्रिकेट स्टार <laughs> शाही कह लें शर्मीली जो मर्जी कहले <laughs> चलो जी मूविंग ऑन टू नमक हराम नमक हराम नहीं जी वो नमक हराम ये आपा को एकदम क्या हो गया है

तो पहले तो कभी ना आपने 25 किस्तों में बताया कि आपा इतनी पावरफुल हो रहता है हाँ। लेडीज है और अब आपने कहा कि हाँ दुख हुआ मुझे मुझे ना इमरान अशरफ वाला सीन बहुत बोला रिमाइंडर रिमाइंडर था वैसे भी कोई जादूगर नहीं होता तुम सही कहा आपने जादूगर तो नहीं हूं मैं मुझे कुछ वाला सोते में एक्टिंग करता है मून ये जो टेलीकिनेसिस है ना ये हम दोनों के हो सकते हैं और किसी की नहीं हो सकती यार वो बहुत बुरा था मैं यही कहना चाह रहा था हाँ बहुत बुरा था वो नहीं करना चाहिए था इमरान भाई आपको मतलब आपने इतना खूबसूरत हाँ। जो हमारा मुराद है मुराद हाँ, है हाँ। मुराद का इतना मजेदार एक स्टैचू मुराद एक इंटेलेक्चुअल है यार अब कहेंगे कि उसकी बचकाना साइड नहीं हो, सकती, हो है। सकती है, लेकिन उसकी जिंदगी भी तो एक ऑलरेडी एक एक वो है ना एक एक ओवरऑल बॉडी डिमीनर एक ओवरऑल चीजों को लेकर चलने का तरीका आ, एक आपने वो जो एक 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 ढांचा खड़ा कर दिया हमारे लिए मुराद मुराद का तो मुराद भी ये हरकतें करता हुआ थोड़ा करे ये हरकतें करे छेड़े अपनी बीवी को राइट है लेकिन कुछ इस तरह से तो दिखाया ना कि मुराद का छेड़ना लगे वो भोले का ना लगे भोले का या वो जो इन्होंने उधर नहीं किया था किधर वो जो एक सिंड्रेला वाला एक ड्रामा था नहीं गलत कह दिया कौन सा हीर द जीरो अच्छा <laughs> नहीं मैं तो बहुत बुरा था हां वैसा कुछ वेरी गुड पता है आपका रोमांस स्टार्ट हो गया हां आपकी मोहब्बत हो गई है वो दुपट्टे तो वाला सीन अच्छा था फिर भी वो <laughs> <laughs> वो जो दुपट्टा तो फंस जाता है और वो आगे गिर जाता है वो हाँ। सीन फिर भी बेहतर था वो उनके करेक्टर पे सूट भी कर रहा था लेकिन ये नहीं ये नहीं, नहीं इस इज़ नो मुझे माफ़ कर दें और आ, क्योंकि साथ साथ शूट हो रहा है ठीक है तो हमारी जो है वो मलाइका उनकी शक्ल ही बदल गई है उनका मेकअप भी बदल गया उनका अटायर भी बदल गया उनका हेयर स्टाइल भी चेंज हो गया कभी वो पोनीटेल बना के आ जाती है, हैवी, है क्या हाई पोनीटेल कहते हैं उसको हाई पोनीटेल बना के आ जाती हाँ, हाँ, है मुझे इधर एक जुड़ा सा किया होता है हाँ, 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 कभी वो बना के आ जाती है हाई बन कभी वो कर्ल कर के आ जाती है खैर अच्छा है मलाइका एक स्टाइल आइकॉन है <laughs> शी इज अ डिजाइनर एज वेल बट यहां मुझे डिसकंटिन्यूटी <laughs> लगी डिसकंटिन्यूटी हां क्या आप नहीं नहीं एक चीज और बड़ी अजीब थी कि इट वाज वेरी वो जो जो एक मुद्दा लेके चले इट्स तो वेरी रेपिटेटिव के जी मुर्तज़ा मुस्तफ़ा 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 भाई तुम तुम्हारी असल विलन मलाइका है मेरा भाई नहीं है तो वो भी मुस्तफ़ा अभी कुछ ही हफ्तों पहले मुराद ने भी उसको बोला कि तुम्हारा असल दुश्मन तो मलाइका है वो नहीं है एक अंधे को भी समझ लग रही है कि ठीक है ये बात बड़ी लॉजिकल है और समझ भी आती है वो मुराद अपनी ज़िद पर है कि उसने अमीन क्रेशी की ही और अमीन क्रेशी का ही

वन ऑफ दोस थिंग्स है जो के नमक हलाल की अच्छी, तो अच्छी, अच्छी है तो वही नमक खराब की अच्छी है नमक खराब की अच्छी है तो वही आप उनको बार-बार रिपीट करी ही जा रहे हो करी ही जा रहे हो मतलब तो पानी में मथाने बस जो सही फेनाजल होते हैं ना राइटर को उनको भूल जाता है कि पिछले से ही में नहीं ये लिखा था उसे पिछले से ही में नहीं ये लिखा था ओए

मुझे तो लगता है ये पेटी बहन भाई हैं भाई भाई सॉरी बहन भाई क्या <laughs> दोनों भाई भाई हैं हाँ। उसका भी जो दिल करता है लिख देता है इश्क मुर्शद में इसका जो दिल करता है लिख देता है नमक राम में दुख होता है मुझे तो अब जो करंट नमक राम के एपिसोड क्या होगा हो मतलब तो जो हमारा मुरीद है उसका बदला कहाँ गया मुरीद अब क्या करेगा मुरीद को प्यार हो गया है उसके साथ आसमा के साथ ठीक है अब मुरीद क्या करेगा मुरीद मीन को मारेगा कैसे हराम मारेगा? कौन तो है अरसल तुम्हें अमीन कुरेशी ही हुआ फिर हाँ। नमक, हाँ। तो नमक हराम तो अमीन कुरेशी का तो अपना नमक है वो खराल करे हाल कर हराम करे हलाल करे <laughs> अमीन तो नमक लेके बैठा हुआ जा, साव मेरे गला है <laughs> अमीन कुरेशी तो खुद नमक है भाई अमीन कुरेशी का नमक है जैसे मर्जी खाए हलाल करे हराम करे ये वाली टर्म नौकरों के लिए यूज होती है अच्छा अमीन कुरेशी हाँ। का नमक है चाट कौन रहा? <laughs> मलाइका अच्छा कह रहा बताओ

सिलसिले में नहीं है लेकिन मुझे एक कौन बड़ा पसंद आया एंड वाला कि अगेन जो आपका मेन चीज है उस उसपे आपका फोकस ही नहीं है मेन चीज उनका यही था ना कि जो बेटी आपने मतलब आपने अपनी बेटियों पे जो शक किया ठीक हाँ। है हाँ। आ, और आ, मतलब जो चीजें आप करते रहे आप आप खुद वही

चलावी चलावी चपेट चले ओके मूविंग ऑन टू अखाड़ा रद रद राजा रानी जी मोल <laughs> नाम कितना है रद हाँ गालियां पड़ी ना पिछली वीक <laughs> बहुत ज्यादा इसलिए अच्छा बस मैं अपने स्टांस पे कायम हूँ आप मैं अगर अपने स्टांस पे कायम हूँ जो मैंने सीबीए भाई को कहा था क्या करूँ मैं हफ्ते में दो दिन देखना पड़ता है नहीं अब तीन दफ़ा पस दीवार भी तो है और राज और कौन सा तुम्हें तो एक बात और बताओ हाँ। नहीं हफ्ते में तीन दफा देखना पड़ते तीन दफा देखना पड़ेगा हाँ। की हाँ। तो दो किस्तें हैं ठीक है आपको पता है ये इस दफा लक स्टाइल अवार्ड किसको मिला था बेस्ट एक्टर किसको 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 सीबीए फॉर परिस्तान याद नहीं भूल गए खाओ लाइक कसम होय हमने खुद बैठ के डिस्कस किया था मैं भूल गया मैं भूल गया तो फिर बेस्ट एक्टर को तो नए नए ड्रामे दिए जाएंगे ना भूल गए हो आप वाकई भूल गए हो अच्छा हम जी याद है स्ट्रांग आर्मी वाओ हां जब मैंने कहा था बहुत स्ट्रांग आर्मी है हां गालियां पड़ेंगी मुझे हां पड़ती हैं हां नहीं अमीनो कोई मसला नहीं निकाल निकाल नहीं आती उसको एक्टिंग जो मर्जी करो नहीं आती नहीं आती जो मर्जी करो आप मेरे मुंह पे चपेड़े मारो आप मुझे मेरे घर आके मेरा गला काट दो <laughs> शीरी ना भाई शीरी नहीं। नहीं शीरी नहीं। नहीं 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 मैंने नहीं पास आना हां मैंने नहीं पास आना नहीं आती असलान नसीर को एक्टिंग अच्छा जी जी एपिसोड्स में क्या हुआ स्टोरी अच्छी है स्टोरी मुझे लगता है कि अच्छी है स्टोरी में चीजें ठीक है मतलब वो बारिश चेक तो बहुत भोंडी थी नहीं बारिश वाला ठीक है बट लेकिन एक चीज मैं दाद दूंगा हाँ। ये जो आपने इस्टेब्लिश करवाया ना कि पैसे से कुछ भी हो सकता है वो बहुत सच है वो हमने पिछले वीक भी डिस्कस किया वो था वो बहुत सच है जैसे ही उस, उसको पता लगा ये बहन घर वाके बैठ गई अपने बच्चों समेत उसने कहा हम अकीका रख देते हैं हाँ। अकीका रख दिया उसने कहा खर्चा हम उठाएंगे खुश होगी सलमा जफर हाँ।

यहां तो उसको बनाया वही हुआ है 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 सलार सलार यही नाम ना इसका तो तुम कुछ अनगही वाला भी याद करो वो उसकी भी हरकतें तुम्हें पावर, पावर एक, एक है आप हाँ, ही और आप प्यारे भी हैं बुरशी हाँ, प्यारे हैं हाँ, और आपकी हाँ. मतलब अट्रैक्शन भी है आंखें भी बोलती है बट वो एक जो एक कुछ कमी है कुछ हम्म हाफ बेक्ड पता नहीं हाफ बेक्ड नहीं कहेंगे कुछ चीजें बड़ी अनएक्सप्लेनेबल uh, होती है अनएक्सप्लेनेबल होती है यू राइट दे आर दे आर सम थिंग्स सम थिंग्स आर जो कि अनएक्सप्लेनेबल होती हैं अच्छा जी यही अनएक्सप्लेनेबल uh, हम हिबा पे भी अप्लाई कर सकते हैं आप कर सकते हैं पहले मैं एशिया डार को कवर कर लूं सॉरी वो जो वहाज वाला ड्रामा था तेरे बिन हां

कुछ कुछ चीज है जो रुकी हुई है कुछ कुछ फंसा हुआ है ईमान जी ईमान जी ईमान हाँ। जी ईमान जी ईमान जी ईमान जी ईमान जी और उसका ना जो उसको जो जिस तरह वो सेंसिटिव दिखाया हो पहला वो सेंसिटिव कुछ बिलीवेबल नहीं है अभी करेंगे ना अभी उसकी बैक स्टोरी नहीं ना दिखाई हमें हमजा ख्वाजा ने देखा कितना मजे का किया इसके आओ पाँच मिनट में घर

जो बाहर रह के आया है जो सारे काम अपने खुद करता है जिसको इंडिपेंडेंट लड़कियां पसंद है और दिस इज ट्रू फेमिनिज्म दिस इज अ ट्रू पर्सन जैसे एक पर्सन को होना चाहिए जैन इज एन आइडियल हस्बैंड फॉर अ वाइफ फॉर फॉर अ गर्ल कितना खुश होता है कि उसके करियर पाथ को देख के कि ये अपनी लाइफ में अच्छा कर रही है Uh, चाहे राइटिंग के फ्लॉज यहाँ पे हमें नज़र आए कि वो पहले क्या इसने बताया था मैं एडवरटाइजमेंट एजेंसी से बात कर पे जॉब करती हूँ और बाद में एक लड़की आ गई एक्स्ट्रा उसे साइन करवाने के मैम ये साइन कर दें पता नहीं फाह एसोसिएट से कोई

फिर उसका फोन अरसलान को हो गया हाँ। नेटवर्क वाला तो, जो इशू आ रहा तो, था तो फिर वो वो भी एग्जैक्ट वही पहुंच गया श्रीयाल मुनवर भी कराची बहुत छोटा है कराची बहुत छोटा मतलब और ऊपर से इतनी ज्यादा बारिश भी चल हाँ, रही है ठीक हाँ। है वो बारिश ऐसी थी कि जीरो विजिबिलिटी हाँ और ड्राइवर कितना बदतमीज था वो हाँ। भी बी उतर इधर से हाँ। तंग कर बस नहीं गाली देना ही रह गया था और उसने मोबाइल भी, भी गिर गया बेचारे हाँ। का उठाया उसने पानी में में चीकूड हां <laughs> <laughs> तो आपको हिबा की एक्टिंग ठीक लग रही है ओके okay, sure. 26 संडे मैंने क्लियर किया था अगर बहुत क्योंकि अभी उनको मार्जिन नहीं, नहीं ना मिला परम पार करने का जब मिलेगा तो करेंगे बट अब मैं हिबा के फैन से जरूर कहूंगा शी वाज वेरी गुड इन सरकार जब अच्छी थी हमने ड्रज हाँ, की तारीफ की थी और मैंने हाँ, तो बहुत ज्यादा हाँ, तारीफ हाँ, की थी मुझे कोई वो तकलीफ तकलीफलीफ नहीं है हालांकि अच्छा किसी ने ना हम ये भी इल्ज़ाम लगाया कि ये लोग जो अनसक्सेसफुल ड्रामे होते हैं ना ये इनको अच्छे लगते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं

चलिए आगे हाँ देखते हैं क्या हाँ करती हैं हाँ 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 कर लेंगे अच्छा हाँ हाँ इंशाल्लाह और इसमें ज़ैदी बीइंग इसमें ज़ैदी ऑलवेज ऑलवेज प्यारी सी लड़की हां प्यारी सी लड़की अच्छा और क्या हुआ इस एपिसोड्स में कुछ नहीं दानिया अनवर का इतना सा सीन था बेचारी का जी कि बेटे का नाम ओन रख दिया ओन 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 हां बाकी कुछ भी बाकी कुछ भी नहीं था चलें चलें जी हां बस ठीक था मूविंग ऑन टू अह और अच्छा सॉरी 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 वो शरियार की भी तो इमोशंस नहीं ना समझ लग रहे क्या चाहता है कि वो कितना को प्यार करता है हाँ। करता उसको तो मशवरा दे रहा है कि बाप से खुल के बात कर हाँ कि क्या करना है लाइफ में चलो देखते हैं अभी आगे है। पर मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं लग रही ड्रामे की मुझे कोई इतना मैं इंट्रीग नहीं हूँ आप हमें माफ़ कर दें चले मूविंग ऑन टू अब क्या रह गया खुमार जाने जाओ अखाड़ा यस को कुमार कर ले कुमार हाँ, जी मुन कुमार कुमार में भी ओ, रूफी वापस आ गया रूफी वापस आ गया कैक्शा के अकाउंट खुल गए अबू मर गए नासिर का ऑपरेशन हो गया घर बिक गया घर बिक गया, गया। तो कारमा हो गया

अच्छा कंक्लूड करेगी कि महामली कितना मुझे आइडिया है क्या लगता है आपको कि हरिम को किसके साथ जाना चाहिए मुदसर के साथ या मुदसर के मुदसर है ना सारी जिंदगी उसने डिपराइव हाँ, किया एक अच्छी हाँ, हमसफर और उसने तुम्हें मुश्किल वक्त में साथ है फाइज ने तो छोड़ दिया था मुझे लगता है फाइज के साथ ही करेंगे करेंगे तो फाइज के साथ ही मेक इट मोर लाइक टिपिकल हां बट ये कौन सा हमदिल दिलज की सनचलीला वंश वाली है जो डिफरेंट एंड करेगा लेकिन देखो संजीव बंसाल ने भी दिखाया था कि उसकी शादी हो गई थी अजय देवगढ़ हाँ, हाँ। शादी नहीं हाँ। बैचलर क्या बोलते इसे पर ये ताल वाला एंड होना है अक्षय खन्ना के पास ही जाएगी हाँ। ताल वाला एंड होगा हाँ। अच्छा रूफी उधर ऑफिस से उठ के ही आ गया ना उन्हीं कपड़ों में जिनका प्रॉब्लम कल बात कर रहा था खैर फोन पे चलता फकर जो, तो जो मर्जी रूफी जो मर्जी <laughs> रूफी की मर्जी है उधर करोड़ों रुपया कमा रहा है कनाडा में बैठ के बस हाँ। इतनी जल्दी इनको छुट्टियाँ मिल जाती हैं हाँ नहीं मिलती हाँ हाँ मिल जाती नहीं मिलती, हा, हा, मिल जाती। नहीं मिलती। <laughs> दो तीन साल बाद को बंदा बाहर के मुल्क जाता है तो वापस आता है वो फिर ये वाले काम करता है ना जो कोनिया लेडीज़ में हो रहे थे जी। अच्छा हाँ, रूफी तो वहाँ पे अफसर जी। लगा जाते हैं दूसरे होते हैं बाद महीने महीने की छुट्टियाँ मिलती है दोस्त हैं जो जो है? है यहाँ पे रूफी लेने क्या है बहन की तलाक करवाने के बहन की तलाकानी अच्छा अरसलान वो जो नासिर की बहन है वो अपनी पहचानी को आपने नहीं पहचानी क्योंकि आपने देखा ही नहीं हुआ मैं बताता में, अच्छा में वो, वो अच्छा। वो वो नासिर फुला के बात करती हम है ये वाला मसलास अच्छा। का चलो बड़ी बात है वो आठ बजे वाला ड्रामा कर रही है

शायद आए क्योंकि वकास की अम्मी है हरीम तो इस दफ़ा नज़र ही नहीं आई नहीं आई थी इतना सा सीन था ओ वो हलाल डेट कैसी थी <laughs> उनके साथ हाँ। उनके साथ मुदसर के साथ हाँ। और जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ उसके लिए आपका घर मुनासिब जगह नहीं थी उसने कहा ये बात मैं ऑफिस में नहीं कर सकता हरीम जी ये बात करने के लिए मुझे आपको

आजाद क्यों नहीं करता उसे फाइज अब क्या चाहता है और अब उनके अंकल मर गए तो रही, रही, आ, हरीम वगैरह का हरीम है ना हाँ। हरीम वगैरह का कोई रिएक्शन ही नहीं है उस पर मेरा सुसर मर गया नहीं 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 क्या है कुछ नहीं होता ना विरोध समझवारी वाला था वो हाँ। तो भी ऑफ करी दुख हुआ हम भी कहते हैं बहुत आपने ही हास करता चेकिंग करके एंड पे मरने वाला आपने सीन वो बहुत मरते मरते अपोस्ट कर दे गए हमें हां भाई मां मेरे इसको फोन तो कर मैं, मैं अपने बच्चों का प्लस रिजल्ट आता हां नहीं, हाँ। नहीं थोड़ी मूवी और बना अभी था कुछ हाँ। अजीबोगरीब सा भी था कुछ सॉरी मरने का मजाक उड़ा रहे लेकिन हां बट वो मजाक उड़ाने वाला ही मर गया ठीक है

उनके सर पे चल रहा है ड्रामा और तो कोई भी नहीं है क्या कुछ है हाँ लेबा भी नहीं लेबा भी नहीं हाँ और कौन है और फिरोज का नाम हाँ फिरोज का नाम फिरोज प्रास्थ का प्रास्थ और, नाम। और कुछ नहीं फिरोज का नाम बहुत बड़ा है हाँ चलें महा मलिक जी अब प्लीज़ कुछ लिखिएगा तो ज़रा डिफरेंट लिखिएगा <laughs> सोच समझ के थोड़ा सा कुमार में तो हम हैं ही हैं हाँ सबसे अच्छी एक्टिंग पता है कौन करें इजाज़ असलम मूविंग ऑन टू जाने जहाँ श्योर जी वो जाने जहां जाने जहां की बत्तीस किस्तें हो गई हैं हाँ क्या स्टोरी डेवलपमेंट हुई है क्या बता रहे हैं बत्तीस किस्तों में क्या बताया कभी अस्पताल की बेसमेंटें बनाने लग जाता है <laughs> पहले बिल्डिंग तो खड़ी कल बेसमेंट की पहले टेंशन पै गई है अच्छा बेसमेंट कंप्लीट है अच्छा पीछे ना बिल्डिंग खड़ी भी हुई हाँ। है बेसमेंट सारी जिंदगी अबे ने बर्बाद करती मुराद शाह ने एक बनाया बेचारी हाँ। गंदी औलाद नराद शाह नहीं जलसा तो वो हारिस वहीद का। जी। था। दिखाना भी तो भोडा ही दिखाना था लेकिन जब सैलाब आया था तो मैं जमाल साहब के साथ हुआ था आपने क्या किया हमारे लिए सलाब में कहा थे आप नहीं तो आ, देखे मुझे समझ नहीं आई तो पहले भी बिरयानी खा के होता है ना हाँ। तो करना तो राजा हैदर नहीं था हाँ। लोगों को पैसे तो राजा हैदर नहीं खिलाए हाँ। थे पता नहीं मुझे तो कुछ इस की कोई डायनामिक समझ नहीं आते नहीं राजा हाँ? हैदर कोर्ट चेंज हो गया है ये आपकी देखभाल में हमने मोहब्बत की पैसे की असाइशो क्या कहेंगे इसके बारे में मैंने सोचा था आप जरूर कुछ कहेंगे इसके <laughs> बारे में यार इनके और इनकी बेटी के सीन कितने अजीबोगरीब होते हैं <laughs> तो क्या होते हैं इतना मुझे हंसी आ जाती है एकदम ही ना वो जो आलिया और हाँ। इनके नहीं इधर माँ बेटी बाप बेटी ये जो है ना रिश्ते ये बड़े कंफ्यूज्ड हैं उधर नूरी का और उसके बाका भी देख लो

<laughs> वो आयशा को चेक करने आए तो डॉक्टर आलम आए हैं ना किताब डॉक्टर सिर्फ मेरे कहने पे हैं नहीं तो वो तो किसी को मुंह नहीं लगाते अच्छा नहीं तो मेरी बात सुने क्रैप <laughs> क्रैप अच्छा अब मैं अच्छा मुझे इस बार एक दो पॉइंट अच्छे लगे थे

वो हमें गुलजेब का नजर आया सो द प्रॉब्लम इज के अ, अगर नूरी का अच्छे से हुआ हुआ होता तो हाँ। फिर ये एक बड़ा खूबसूरत हाँ। एक सिचुएशन हो हाँ, सकती थी अकॉर्डिंग टू मी सो वो मुझे एक पॉइंट अच्छा ठीके, लगा ठीके, था ओके दूसरा एक ही कहा था अमेरिका था एक दो पॉइंट दूसरा नहीं निकाल पाएंगे आप मेरे से लिखवा लें देखिए हाँ दूसरा आई थिंक नवाल और तबरेज की जो इस दफा वो भी नहीं थी थी नहीं थी अच्छा चलो नहीं थी नहीं थी, ओके okay. बिल्कुल भी नहीं ओके थी। ठीक okay. है <laughs> और पर्ची पे आ जाओ फिर वो ही रह गया सवेरा सवेरा नदीम पे आओ सवेरा नदीम का नेकलेस देखा था तुमने सवेरा नदीम खुद क्या कह रही थी इन एपिसोड्स में क्या कह रही थी जो उसके पास जीक्यू के पास जाके शादी की बातें कर रही थी डिसअपॉइंटमेंट इतनी बड़ी लेजेंड से लेजेंड रिएक्टर से आई

अब उसको मेक पीस कर लेना चाहिए आपके साथ हाँ। हाँ। बंदा को? को, अच्छा पेश आ रहा है वो भी और उसकी माँ भी तो आप जरा थोड़ी सी इज्जतदार होने का मुजहरा करे स्पेशल तेरे लिए कराची डिग्री लेने सर्टिफिकेट तेरा लेने

मारून ने आना तो शहराम के पास ही है हाँ किसी ने कमेंट किया कि दो बेटों के नाम कितने प्यारे रखे हैं शहराम और तबरेज और तीसरे पे कुछ ना मिला तो रेद अब्दुल ही रख दिया अब्दुल हाँ वो अब्दुल हाँ बोलो हाँ फैक्ट्री में क्या हो रहा है फैक्ट्री में रही चार गुलजेब नहीं चंगी हो रहा वही फैक्ट्री की गंदी स्टाफ वर्कर्स ये ईजी गिर रही है गुल्जेव और क्या हो रहा है और तो कुछ भी नहीं हो रहा वो आए वो जो अंकल है। वो थे जो है।, है अंकल थे वो जो आयशा आयशा शायद अंकल के पास गई थी नहीं नहीं मानूर ही जाती है या शहराम आता है नहीं बीच में तो मानूर ने अंकल के पास जाना भी छोड़ दिया था फिर अंकल ने उनसे गिला भी किया मेरे से लिया चीजें आयशा भी किसी से कुछ लेते हुए तो गिर गई होंगी तो, लोग तो घर में बैठ के सिलाई मशीन पे कपड़े सी लेती होंगी उस गाँव में अच्छा हाँ वैसे तुमने ना किसी एक वीवर ने किसी दफा कहा था की गाँव है उस बात को तुमने बहुत सीरियस ले लिया तो गाँव ही है

ऐसी लॉजिक वाली चीजें आती हैं। कहता आपकी मंगनी आ रही है। हाँ। इनॉग्रेशन मैंने करनी है कहीं मैं बीच में खलल ना डाल दूं मुझे बता दे क्या तारीख रखूं। ये कितनी फजूल सारे स्टाफ का होना जरूरी है। ये कितनी फजूल हाँ। है। मानूर तो जाके टीके लगाएगी ना लोगों को। मानूर का क्या काम है अस्पताल में भाई? टीके से। से अच्छा। हां। ठीक <laughs> मानूर मां लगदी है अस्पताल दी कौन मानूर हाँ हॉस्पिटल में आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है भाई कि उन्हें दीवारों पे पेंट कीता है हॉस्पिटल दी क्या कमेंट्स देख रहे हैं नहीं नहीं मैं कमेंट्स ही देख रहा अच्छा, मैं कुछ और देख रहा था जी तो खैर खाड़ा आना है ना मैं वही हाँ, कह रहा हूँ कि भूलना चाहिएगा हाँ, खाड़ा जी नहीं 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 अच्छा अब क्या होने वाला है वकास क्या करने वाला है वकास वकास उसमें खुमार में आई एम सॉरी बट ये जो है वकास

ये नहीं कि उसने नॉर्मल सॉरी करवाया उसने कहा ऐसे आप कह के यह कह के वो कह के हम्म क्यों वो बेसिकली ना उसको दिखाना चाह रहे हैं ना तैमूर है ना दूसरा कि देखो जो मसला जिसके वजह से वो शहर छोड़ के आई अभी भी उसके लिए वो जाती प्रॉब्लम है ओके ताकि वो वो ऑब्जर्व कर रहा है ना वो एज अ ऑब्जर्वर लिखा हुआ है वो भी उसको भी सब नजर आ रहा है कि सब है लेकिन फिर भी उसने शादी मानूर से ही करनी है तैमूर प्यार है ना प्यार बहुत बड़ी होती है मूविंग ऑन टू अखाड़ा जी बोला अखाड़ा आप बताएं मैंने तो देखा ही नहीं अच्छा आपने नहीं देखा नहीं? मैं अखाड़ा मैंने देखा अखाड़ा अखाड़ा में ये हुआ है कि क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ? हाँ एक तो वो जमशेद के साथ उसकी शादी हो रही थी ना हाँ रेशमा की नहीं हुई नहीं हुई जमशेद भाग गया वाओ कैसे जमशेद ने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो है ना उसने कहा नहीं, नहीं, नहीं हाँ तुम्हें कैसे लगा? ये हो सकता है। क्योंकि जब दूसरी उसने बात एक ये की कि कि आप जो है आपको टाइम मिल गया जो आपका केस है वही जो रोस्तम के लिए उसको सॉल्व करें थोड़ा उसको टाइम मिल जाएगा सो वो उस रेशमा के लिए ही उसके साथ शादी नहीं करा हाजरा <coughs> हाजरा हाजरा? हाजरा, हाजरा क्या कह रही है? I'm sorry. तो कौन सी जो जमशेद की बहन है। जी जी. तो वो तो बड़ी खुश है कि इसकी शादी होने है मेरे भाई से हो जाएगी तो मेरा तो मसला ही हल हो जाएगा तो ये रुस्तम के पास नहीं जाएगी अच्छा उधर ये हुआ है कि जब रुस्तम और रेशमा जब वो मिल रहे थे तो छापा मारता है अपना दिल शेर तो तब उसी दिल में उसके दिल में ना तभी से रेशमा के लिए एक सॉ क्रिएट हो गया सो बाकी ना जो शिजाद नवाज का करेक्टर है उन्होंने उनको उन्हों भी पता लग गया है कि

रुस्तम सीरियस हो okay, उन्होंने मंगनी भी तोड़ दिया के साथ। के साथ। और, अंकल भी बहुत खुश है सितारा के अबू के जी आ, उनकी शादी जो है खानदान हाँ, रुस्तम का वो फाइटर अब, है ना हाँ, फाइटर, फाइटर चारे नहीं अच्छा खानदान भी तो वो है ना वो हाँ उन्होंने कत्ल भी कराया फिर उन्होंने तो मिनिस्ट्री भी नहीं दी जी उनके हिसाब की तो वो इससे उनकी ये वाली चिड़े भी है और दूसरा एक और इशू चल रहा था कि क्या चल रहा था हाँ तो वो उन्होंने जब रिश्ता खत्म हुआ ना तो उन्होंने कोई इतना रिएक्शन भी नहीं दिया तो सोनी उनसे पूछती है कि भाई आपने रिएक्शन क्यों नहीं दिया okay. तो इस हवाले से भी उनकी थोड़ी बातचीत हुई और आ, बस अभी यही चल यही रहा कुछ है। यही क्लोजर की तरफ जा रहा है ऐसे कोई अगर आप कहो कि कोई इम्प्रेसिव कोई परफॉर्मेंस मेजर सीन नहीं है बस ठीक था इट वाज वेरी एवरेज चलें कुछ और कुछ नहीं परफॉर्मेंसेस पे आए जी मैं परफॉर्मेंस बेस्ट देना चाहूंगा किसको दूं किसी को भी नहीं कोई इतना इंप्रेसिव भी नहीं है किसी को भी नहीं 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 है कोई भी स्पीक सॉरी प्लीज हमें माफ करते हैं। हां तो ये कोई बेस्ट एक्टर किसी ने ऐसे नहीं कहा कि वाओ हां हाँ. नहीं है और हम अपनी उससे नहीं हट सकते ऑस्कर बहुत है ऑस्कर बहुत है सबूर सबूर सबसे पहले कल कल ना हम जबाई मुझे पहले था बना जी आ, इसके अलावा आप ले लें। अरसलान नसीर अरसलान नसीर CPR फोर्स पसे दिवार। पसे दीवार पसे दीवार एक मिनट जनाब बेअली इतनी जल्दी भी क्या है पहले हमें ये बताओ कि हमारे नुकसान की भरपाई कब करूं पंचायत वाला सीन जी जी जी, जी, जी ठीक है जी। और खुमार में उनको ले ले सब्जवारी को हाँ ऑस्कर थी ठीक है नहीं वो तुम रहे अपनी जिंदगी के लिए जो फैसला किया है ना उस पे अटल रहना ठीक है हर ड्रामे से एक निकल रहा है है जाने जहाँ से आयशा को ले लो लक्ष्मी में एक हफ्ता लग जाएगा एक हफ्ता दो दिन में ठीक करके दें आप आयशा छोड़ो आप पर्ची क्यों लेकर रहे हो पर्ची भेज दवा बाद नहीं बाग हाँ, हाँ, चले बख्श देते हैं आज पर्ची को चलो कोई नहीं है हाँ। नमक में इमरान अशरफ को ले लो प्लीज <laughs> ये आज का ऑस्कर बनता है इमरान अशरफ का ठीक है कैसा कौन सा जादू है जिसने बरसों से मेरी जागती हुई आंखों को नींद थी दी है ठीक है बस बस कर दो इतने करोगे हाँ। अच्छा एक नया सेगमेंट शुरू करना है करें करें जी एक नया सेगमेंट मैं शुरू करने वाला हूँ आज से जी, जी। जो कि सिर्फ इस वाले एपिसोड में हुआ करेगा क्यों क्योंकि उसका हफ्तवार हम अच्छा, उसका वो कर रहे हैं जी हम कर रहे हैं कि किस ड्रामे ने इस वीक सबसे ज्यादा व्यूज लिए ठीक है ठीक है जी डेट जो है वो हम निकाल लेते हैं कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया जी मोन डेट हमारे पास है जी फ्रॉम

अच्छा गया था हाँ। उसके बड़े अच्छे व्यूज है हाँ। चले जी मैंने काफ़ी लोगों की जो जिन जिन लोगों को रिप्लाई हो गए थे उन लोगों के कमेंट्स नहीं लिए जाएंगे मैं अभी भी बता रहा हूँ ठीक है जी सबसे पहले इकरा मबी कहती है फिर रोज इज़ वन हैक ऑफ एन एक्टर हु ऑलवेज मी इन ऑफिस

नमाज टेक लॉट ऑफ पिक्चर्स पिक नाद रि नाउ सम पीपल इन माई फैमिली मेक फन ऑफ मी बट आई डोंट गिव अ डैम आई विल डू वट मेक मी हैप्पी एंड इफ इट्स नॉट हर्टिंग सम वन एंड इट्स नॉट अनएथिकल मून लुक वेरी गुड इन हिज ईद आउट बहुत शुक्रिया आपका मुन uh, आगे कमेंट आप पढ़ ठीक हैं? <coughs> आगे है आगे दोबारा कहती हैं ये कॉन्ट्रैक्टर फ्लॉलेस एंड were a little bit uh, childish but it was so entertaining that I enjoyed it a lot. It was fast paced and b uh, because it was short series, I ignored the loopholes. I liked it. Everyone acted very well. I appreciate that. They did a decent attempt uh, in this genre. Uh, good job.

बट शहरिया करैक्टर मेक्स इट इंटरेस्टिंग अप्रिशिएट दैट ही बाई इज़ डूइंग एन एज अप्रोप्रिएट रोल एंड नोट अ कॉलेज गर्ल और एनीथिंग एल्स सो लेट सी लेट सी अच्छा ये दोबारा कहती है आई हेट द टू एंड थ्री एपिसोड स्टैंड इट्स सो टायरिंग टू वॉच एंड इरिटेटिंग एंड अनोइंग स्टैंड अपल वॉज एंड एक्सेप्शन ट्रू

ओके okay. अच्छा जी इसका रिप्लाई असलान कर दिया था एसन अहमद कहते हैं इज़ गुड ड्रामा वाई यू आर ऑलवेज नेगेटिव अभी दो एपिसोड आई हैं और आप लोगों नेगेटिविटी स्टार्ट कर देते हो एटलीस्ट शुड एटलीस्टिव अच्छा ये जिन जिनको रिप्लाई दे दी उनको उनको हम से ले हमें क्योंकि उनको मैंने बड़े लॉजिकल तरीके से आने की कोशिश की वो नहीं आए मैं आप अगले कमेंट तक चले जाए मैं उनको लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने अगर अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा आप चीज़ें बताएं कि आपकी ये बात नहीं ठीक वो बात नहीं ठीक आप ये गलत कह रहे हैं कि ऐसे नहीं था वैसे नहीं था फिर आप ये बात गलत है कि ड्रामा अच्छा है आपको क्यों आपको क्यों नहीं अच्छा मैजिकल केमिस्ट्री है ये चीजें नहीं ये नहीं, नहीं। मतलब थोड़े लॉजिकल पॉइंट्स लेके आओ ना कि भाई हमने ये बात गलत कह दी हमने हाँ। ड्रामा आप ये बात करें कि हमने ड्रामा आंख खोल के नहीं देखा हाँ। कि आपने ये पॉइंट मिस कर दिया इस तरह से। आपने अगर ये पॉइंट बुराई की है तो आपने वो पॉइंट मिस किया है

सिंस बढ़िया पा बढ़िया पा हाँ माय फेवरेट अच्छा जी अक्सर हो रहा कहती डोंट टेक पीपल सीरियसली लव योर पिक्चर माशाल्लाह माय फेवरेट वाज ऑन द गंदुम फील्ड्स इट रिमाइंड्स मी ऑफ माय चाइल्डहुड इन माय पिंड स्टे ब्लेस्ड एंड कीप डूइंग व्हाट मेक्स यू हैप्पी पीरियड थैंक यू सो मच अच्छा जी हसन रजा कह रहे हैं

जो बड़ी बहन है अच्छा। इनको फिर मैंने गूगल किया था ये बड़ी अच्छी वो है स्कल्प्टिस्ट हैं और अच्छा, एक्टर अच्छा। भी है एक कुछ ड्रामों में काम कर चुकी है सो हु इज द एल्डर सिस्टर इन राधा ठीक है ओके okay. अच्छा ठीक है uh, सिद्रा कफिल कहती है वट आर रेज uh, रे रेज एंड रेंज

आ, रबिया रबिया नासिर कहती है दिस इज पटूरा नो दे दोज नॉट पटूरास पटूरास मीठे होते हैं पटूरा सॉरी नमकीन होते हैं ये ये मीठे होते okay. हैं ठीक है उसके बाद अ, डोली रोटी बेसिकली इसके बाद अंकुश अंकुश बहुत कहते हैं आई लाइक द शो बट अरसलान ऑलवेज आईदर पुट डाउन और इंटरचेंज मून्स ओपिनियन एंड व्यूज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू सुधर जाओ बोलने दो उसे सुधर जाओ अरसलान ओके okay. <laughs> मैं अब एक्सप्लेन कर करके थक चुका हूं मैं क्या से मुझे नहीं पता ऐसा कुछ नहीं है इसकी नेचर ही यही है आप किसके साथ बैठेंगे ना ये आपके साथ आपकी तरह हो जाएगा ये ना ये इनहेरिटेड है अच्छा ये मुझे मेरी अम्मी से मिला है वो भी हुई है हुआ ड्रामा बफ कहते हैं गुड वॉच लेकिन अब मैंने कोशिश की है मैं आपकी ओपिनियन हाँ, ओपिनियन लो हाँ रथ इज एक्चुअली अ गुड वॉच सरप्राइजिंगली वेरी डिफरेंट लुक्स एंड एक्टिंग फ्रॉम हिबा एंड शेरियर दे आर नॉट देयर टिपिकल रोल्स है

इतना ही सब में क्रिटिस क्रिटिसम करना है छोटा छोटा बातों पर तो ड्रामाज पाकिस्तानी सारे ही बुरे हैं फिर आजकल सारे ये बात बुरे है, हैं बहुत ही बुरे हैं ठीक है उसके बाद आ, मैजिक टच कहते हैं कि इंडियन टच आ गया है ड्रामे में तो ऐसे ही बनेगा ना अब्दुल्ला पुर टाइप का फजूल तरीन स्टोरी टोटली फार फ्रॉम रियालिटी अजीब ट्रू नूरा कहते हैं आई हेट गुड थिंग्स अबाउट एपिसोड फ्रॉम आई थिंक इट्स वर्थ टिल नाउ ओके इसके बाद गीतिका सिंह कहते हैं रथ गुड ड्रामा हिबा शेरियार ओके शमशा जी भी कहती है मून अरसलान ईद फोटो शूट नाइस थैंक यू सो मच सिद्ध सादिया खान कहती है पर्ची की मेमिक्री बहुत परफेक्ट थी पर्ची से कैसे जान छूटेगी उल्लू का पट... ये आप कह रहे हैं हम नहीं हो, हो, बड़ी गलत बात है हाँ। गाली नहीं दिया करें <laughs> निकल जाती है हमारे से डिलीट हाँ। करते करते एक बात है पर्ची की एक्टिंग अरसलान भाई आप आपने की मैंने बार बार देखी दिल ठंडा हुआ मेरा ओके सादिया कहती है आई लाफ आ, आउट लाउड वो जो ये पर्ची की ही बात थी कोई उमर उमर कहते हैं रद में वाकई हिवा की आवाज़ बेहद बुरी है शुक्र है आई हैव नोट यू हैव नोटेड

होने चाहिए होने चाहिए बहुत जरूरी है हाँ। इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस हो होता है आपका आप बस कह देते हैं कि तो कुछ, कुछ 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 चीजों ना हमारे जितने भी एक्टर्स हैं उनसे कभी पूछो ना आपकी फेवरेट मूवी क्या है वो हॉलीवुड की एक मुश्किल फिल्म बताएंगे हाँ। हाँ। आप देखते ये ये चीजें हो जो कि एक हाई लेवल ऑफ एक्टिंग है और जब आप खुद करने बैठते हो फिर आप एक्सपेक्ट करते हो हाँ। कि लोग रिव्यूअर्स कहें कि हमने जो है छपट फाड़ छपट फाड़ दिया चलो

कुछ भी करें ठीक है ये मैंने कहा थोड़ा पुछ पुछ सर्विस मैसेज। वा, वा। जरूरी है अपने अपने हाँ हद तक जितनी भी हाँ। कर सकते हैं हिफाजत जरूर करें नहीं तो ये डेंगू बड़ी बुरी बीमारी है है ठीक इसके अलावा अब हम आपको मिलेंगे कल मीनिंगफुल में तब तक के लिए मुझे इजाजत अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को जरूर लाइक करें थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अल्लाज